अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसराज और आपकी खिदमत में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। पेरिस में गंदगी के ढेर, कूड़े क्रिकेट के ढेर, शहरी तअफ्फुन से परेशान। फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में गंदगी और कूड़े क्रिकेट के ढेर लगने से तअफ्फुन और बदबू फैलने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशानी से दोचार हैं। निजी टीवी के मुताबिक खुशबुओं के शहर से मशहूर पेरिस कचरा कुंडी बन गया। पेरिस के अवामी मुकामात और सड़कों पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए हैं। कई टन बदबूदार कचरा जमा होने से शहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। कचरा जमा होने से शहर के गली कोचों में चूहों की तादाद बढ़ने का खदशा बढ़ गया है। बताया गया है कि शहर में सफाई के जिम्मेदार अहलकारों ने हुकूमत की पेंशन असलाहत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल कर रखी है। सदर मैक्रोन ने पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर कचरा उठाने वाले अहलकारों ने 9 दिन से हड़ताल कर रखी है। पेरिस की गलियां इस वक्त कूड़े के ढेरों से अटी हुई हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 5,600 टन कचरा शहर में जमा हो चुका है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। थैंक यू।